बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। और इसी क्रम में उत्तम नगर पुलिस ने अवैध रूप से इलाके में रह रहे युगांडा के एक नागरिक को गिरफ्तार भी कर लिया है और यह उत्तम नगर इलाके के ओम विहार इलाके में रहता था। वहीं द्वारका डीसीपी संतोष मीणा ने बताया कि उत्तम नगर पुलिस के एएसआई अशोक और कांस्टेबल सोमवीर की टीम ने बिना वीजा और पासपोर्ट के रह रहे युगांडा के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान युगांडा के सेव वांड्रे बंड्रियू काम्या के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इसको काफी समय दिया था, इसके बाद भी आरोपी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट। उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम ने वेरिफिकेशन के दौरान एक युगांडन नेशनल के जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिड नहीं पाए गए और सब्सिक्वेंटली उसके अगेंस्ट 14A फॉरनेस एक्ट में कार्रवाई की गई है और जहाँ पे वो रह रहा था लैंडलॉर्ड पे भी 14C कार्रवाई की गई है और ये भी राय दी जाती है कि फॉरेन नेशनल्स को अपने यहाँ पर किराए पर रखने से पहले लोग उसका क्रेडेंशियल को जरूर वेरीफाई करें।